मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक जितने भी चाहे देश का आज़ाद का आंदोलन हो या जितने भी कार्यक्रम होते हैं मांग के, वो सब जो है आंदोलन से ही मिलते हैं और हम भी जो है आंदोलन ही कर रहे हैं। आज का दिन भी आंदोलन का ही है। हमारी मांग जो है वो 7,500 प्लस DA का है, प्लस मेडिकल का है। आज हर आदमी जो है 65-70 साल का है। मैं खुद जो है पैर से चल नहीं पाता, ऑपरेशन के लिए 6 लाख रुपए चाहिए। मैं 6 लाख कहाँ से लाऊं जब मुझे पेंशन मात्र 2000 बनता है? वो देगी क्यों नहीं? हमारे जो हर आदमी के जिसने भी नौकरी 32 साल 40 साल नौकरी करी है, सबके 15 से 20 लाख रुपए जो है वो PF फंड में जमा है। तो हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम अपनी पेंशन मांग रहे हैं। ये 1,000 रुपया 2,000 को पेंशन होती है क्या? कोई पेंशन नहीं होती। सरकार जो है को हमारी बात सुननी पड़ेगी। और एक बात जो कहते हैं आप लोग, ये कह रहे हो कि क्या मिलेगी, अरे क्यों नहीं मिलेगी? कहते हैं विश्वासम फलदायकम, अगर विश्वास है तो भगवान है, कि पेंशन तो क्या चीज़ है? आज नहीं कल मिलेगा। साहब ने ये कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हर आदमी को 7,500 प्लस DA प्लस मेडिकल आपको हम देंगे। लेकिन अब वो कहाँ, तो जावड़ेकर साहब चले गए, कहाँ वो सरकार चली गई, हमें समझ में नहीं आता। सुनवाई क्यों नहीं हो रही, वो भी समझ में नहीं आ रही, जबकि हमारे संगठन जो है हर तरह से हर जगह जुझारू रूप से लगा हुआ है। इतने ठंड में हम यहाँ खड़े हैं, जबकि हम मैं खड़ा नहीं सकता, फिर भी मुझे खड़ा होना पड़ रहा है। मेरा खड़ा होना मेरे बस का बात नहीं है, चलना मेरे बस का नहीं है। मान लीजिए पे हम जो है पूरा विश्वास रखते हैं, क्योंकि वो अपने तरह से पूरा प्रयास कर रही हैं। उनका प्रयास जो है वो आगे तक बढ़ा है। जब भी प्रधानमंत्री जी से बात हुई, हमारे जो है शीर्ष ने प्रधानमंत्री से मुलाकात, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपका काम बनता है और 100% मैं आपको 7,500 प्लस DA मेडिकल। प्रमाण नहीं है हमारे पास, प्रमाण कोई नहीं कि हमारा काम हो रहा है नहीं, और बातों में चल रही, विश्वास तो करना पड़ता है ना। तो हम विश्वास पे चल रहे हैं, भगवान आज नहीं कल सुनेगा और हमें हर हालत में हमारी पेंशन मिलके रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी अपनी जगह पे तो होता रहेगा, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा जो अधिकार है वो अपना अधिकार का नहीं, एक ने नहीं, 50 से 60 ऐसे सांसद हैं जिन्होंने हमारा मुद्दा उठाया, वो जो जोर से उठाया है, और जो प्रधानमंत्री जी तक, श्रम मंत्री तक, वित्त मंत्री तक की बात पहुँचाई गई है। सब ये कहते हैं कि आपका काम हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई हम, हाँ ये बात कह सकते हो। देखिए इस बातों का तो हमारे जो शीर्ष नेता है वही जाते हैं, वही आपको विस्तृत बता सकते हैं, इसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। हम उनके उस पर विश्वास करते हैं, वो कह रहे हैं कि बात चल रही है, हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमें कहीं से कोई लिखित नहीं है, ना ही हमें कोई डेट दी गई कि इस डेट तक आपका काम हो जाए, जबकि उनको कोई ना कोई डेट देनी चाहिए। मेरा मानना यह है कोई ना कोई डेट हमें मिलनी चाहिए या मेरा काम होना चाहिए।